हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए अस्पताल मगर हमारी मजबूरी कही है या लापरवाही कही है? हमें अस्पताल जाना पड़ता है सर्जरी टेबल तक भी बात जाती है दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए हम फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल जो चैनल चला रहे हैं इसको देखें ढंग से और इसका इम्प्लीमेंटेशन ध्यान दीजिएगा या नहीं इसको इम्प्लीमेंट करिएगा लाइफ में तभी जाके आपको कुछ मिलेगा याद रखो बहुत सारी जो व्हाट्सएप वगैरह मुझे करते हैं आप लोग उसमें एक सवाल हमेशा रहता है कि सर ऐसा कुछ बताइए तीन चार मिनट के उपाय जो हम अगर रोजाना करें तो लगभग लगभग सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकें या फिर हमारे अंदर उसको पनप नहीं ना दें हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल है मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसा ट्रिक पहली बात है आप अपने शरीर को समझो आज पर एक्यूपंक्चर हमारा जो शरीर है उसको कम से कम बारह चैनल में डिवाइड किया गया है बारह मेरिडियन आपका चैनल है ये जो बारह मेरिडियन है इसे दस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बीस से ऐसे फाड़ोगे तो पांच मेरिडियन आपका लेफ्ट साइड रहेंगे और पांच आपका राइट साइड में जिसमें आपका एनर्जी फ्लो होता रहता है दोस्तों इसमें अगर ब्लॉकेज होता रहता है क्योंकि जीवन चलता रहता है तो फिर तो एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी रुकावट होती है टॉक्सिन्स होता है एनर्जी चैनल जो है वो ब्लॉकेज होते हैं उस ब्लॉकेज को अगर हम हर रोज ठीक करते रहेंगे क्लीन करते रहेंगे स्टिमुलेट करते रहेंगे पॉइंट को तो फिर एनर्जी सर्कुलेशन सही ढंग से होता रहेगा एनर्जी सही चलता रहेगा तो फिर हमें बीमारी नहीं होगी इसका सीधा सा जो फंडामेंटल चीज है यह है कि एनर्जी कहीं पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए वो अपना शरीर में स्मूथली घूमते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा, जो आपके चैनल को हमेशा क्लीन रखेगा और जो मेरिडियन जो रास्ते हैं जो चैनल हैं वो हमेशा खुले रहेंगे दोस्तों मैं थोड़ा सा तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ाना चाहता हूँ कि हम जिसे प्राण शक्ति कहते हैं जीवन शक्ति कहते हैं जिसे हम बाय एनर्जी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं मतलब एक जीवन की धारा जो प्रभावित होता है ये जो है हमारे शरीर में बारह मेजर मेरिडियंस जो चैनल है उसमें से मैं सबका नाम भी आपको बता देता हूँ और उसमें से जो दस मेजर है जिसको हम अपना आज डिस्कशंस कर रहे हैं जिसके आधार पे मैं तुम्हें सारा बीमारी का कैसे इलाज करोगे उसको जो गाइड कर रहा हूँ इजी रास्ता क्योंकि पूरा 320 सारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट को आप समझ नहीं पाओगे इजी भी नहीं है बट एंड ऑफ द टिप में जहाँ पे पूरा एंड हुआ है वहाँ से आप स्टिमुलेट करके इसको जो प्रवाहित हो रहा है एनर्जी का फ्लो उसको आप क्लीन भी कर सकते हो आप उसका ब्लॉकेज भी खत्म कर सकते हो और अच्छा प्रभाव आप अपने शरीर में बना के रख सकते हो तो पहला जो है दोस्तों वो है इसको दो भाग में विभक्त किया गया है एक है आपका यंग दूसरा है दोस्तों आपका इन यंग जो है वो हमेशा आपका शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ प्रभावित होता है और जो इन है वो नीचे से दोस्तों ऊपर की तरफ प्रभावित होता है यानी जो धारा है वो घूमता रहता है वो सर्कल चलता रहता है और आपका एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में प्रभावित होता ही रहता है यानी जो मेरिडियन चैनल है ऊर्जा की जो पथ प्रवाह है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए दोस्तों उसी से बीमारी होती है तो यंग कैटेगरी में दोस्तों आ जाता है आपका स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर ट्रिपल वार्मर गर्ल ब्लैडर लार्ज इंटेस्टाइन और इन कैटेगरी में दोस्तों कौन आ जाता है स्प्लीन हार्ट किडनी पेरिकार्डियम लीवर एंड लंग्स आ जाता है दोस्तों हमारा जो मेजर डिस्कशंस रहेगा जिस दस को लेके आज का ये वीडियो में प्रस्तुत किया हूं वो रहेगा आपका स्टमक यंग साइड से इन साइड से स्प्लीन फिर यंग साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन इन साइड से हार्ट फिर यंग साइड से रहेगा यूरिनरी ब्लैडर इन साइड से रहेगा किडनी और आपका मैं छोड़ दूँगा ट्रिपल वार्मर यंग साइड से और इन साइड से आपका पेरिकार्डियम छोड़ दूँगा और इसके साथ साथ यंग साइड से रखूँगा गल ब्लैडर और इन साइड से रखूँगा लीवर यंग साइड से रखूंगा लार्ज इंटेस्टाइन और इन साइड से, से, से रहेगा आपका लंग्स यानी जो मेजर वाइटल आर्गान्स हैं सारा कवरअप करूंगा जिससे आप बीमारी से मुक्त रहोगे बेहतर रहोगे दोस्तों क्योंकि देख लो आपका स्टमक इंटेस्टाइन ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर गर्ल ब्लैडर लार्ज इंटेस्टाइन स्प्लीन हार्ट किडनी लीवर लंग्स इसी को तो आपको ठीक रखना है इसलिए दस को लेकर जो प्रस्तुति है इसको आप समझो और ये ट्रिक को अगर समझ जाओगे टेक्निक को समझ जाओगे और अप्लाई करने लगोगे आप देखोगे आप ऊर्जावान हो रहे हो आपके अंदर वो महाशक्ति आ रही है आप वो महान शक्ति के अधिकारी हो रहे हो जो आप पहले कभी ना सोचे थे ना कभी अनुभव किए थे दोस्तों चलिए चीज को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों इससे आप कितना सारा बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो इसमें आप सारे जोड़ों की जो दर्द होती है उसको रोक सकते हो हार्ट लंग्स लिवर किडनी को आप स्वस्थ रख सकते हो अपने ब्रेन को हर पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको भी स्वस्थ रख सकते हो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रख सकते हो आपके मसल्स लिगामेंट आपके नर्वस सिस्टम आपका जो वेन है आपका जो एटेरी है सब चीज़ आपका बढ़िया रह सकता है यानी स्वस्थ रह सकता है बाल से लेकर नाखून तक सारी चीज़ परफेक्ट रहेंगे करना कैसा होता है दोस्तों तो पाँच इधर रहा पाँच इधर रहा दोस्तों अगर बीस से आप इसको दो भाग कर लेते हो तो पाँच आपका चैनल इधर आएगा पाँच चैनल इधर आएगा अब पाँच के लिए देखो पहला इधर लेफ्ट साइड के लिए आपको कैसे करना है ना इसका एंड होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ और यहाँ तो इसको एक्टिवेट दोस्तों कैसे करोगे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये देखो सुबह सुबह बिस्तर में उठते ही इसको आप पॉइंट दबाइए यहाँ से दबाओ तो वो पूरे एनर्जी का जो ब्लॉकेज वो खत्म होगा वहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे दस दबा सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा टाइम है आप कर सकते हो तो बीस भी करो इलेवन 13, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ऐसा बीस आप करोगे ऐसा ही यहाँ पे फिर और एक इसमें आई है चैनल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इस तरीके से दोस्तों ही बीस तक जाएगा ऐसा ही फिर यहाँ आइए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इस तरीके से आ गया यहाँ पे फिर यहाँ आओ हर इसमें आप जैसे दिखा रहा हूँ ऐसा ही आपको दबानी है दोस्तों ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम्स के आपको बस प्रेश करनी है फिर आप यहाँ यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ऐसे करके आपको यहाँ भी ट्वेंटी करनी है या ट्वेंटी इंटू फाइव इक्वल टू हंड्रेड इधर हो गया फिर उसी तरीके से आपको इधर भी करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ऐसे करके आपको पूरा बीस तक जानी है देन आप्टर यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके आपको जाना है ट्वेंटी फिर इस चैनल पे यहाँ पे ट्वेंटी फिर यहाँ पे भी दोस्तों ट्वेंटी फिर यहाँ एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस फॉर्मूला क्या है कि आपको इस हाथ में हंड्रेड दिए इस हाथ में आपने हंड्रेड दिए तो टोटल हो गया टू हंड्रेड ये एक हजार तक आप कर सकते हो अगर पांच बार रिपीट कर देते हो तो आपका थाउजेंड हो गया तो धीरे धीरे करके आप बढ़ा के थाउजेंड तक जाइए हंड्रेड ये हंड्रेड ये मैंने टू हंड्रेड टू आपको थाउजेंड तक जाना है यानी फाइव टाइम का रिपीटेशन दोस्तों इसको करनी है याद रखो सूक्ष्म तत्व है मगर आपका जब एनर्जी ब्लॉकेज दूर हो जाएगा तो बीमारी पनप ही नहीं सकता आपके शरीर के अंदर जो पनप रहा है वो भी दोस्तों खत्म हो जाएगा इंक्लूडिंग कैंसर याद रखो इस बात को करोगे तो पाओगे एक एक सूक्ष्म तत्व तो आपके लिए जो लेके आता हूं इसको बारीकी से अध्ययन करके लाया जाता है दोस्तों इसलिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक बहुत ही पेशेंसफुली और पूरी ताकत लगा के इसको हर रोज सुबह उठ के बिस्तर से आपको करनी है अगर शाम को ऑफिस वगैरह से आने के बाद आपके पास समय है तो जितना आप सुबह किए होगे उसका हाफ आपको शाम करनी है जैसे अगर आप फोर हंड्रेड किए हो यानी दो रिपीटेशंस आप किए हो तो आपको शाम को एक रिपीटेशंस करनी है अगर आप चार बार किए हो तो शाम को दो बार कर लेना इस तरीके से हाफ टाइम आप शाम आप को भी करिएगा जिससे आपको रात को नींद अच्छा होगा आपका इंसोमेनिया दूर हो जाएगी आपको कोई दवाई की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सबसे अच्छी बात है आपका ये जो लत है अलग अलग चीज़ गुटखा सिगरेट जो पान मसाला है या फिर जर्दा है कई लोगों का ड्रिंक्स लेने का आदत है कई लोगों का ड्रग्स भी लेने की आदत है दोस्तों तो हर लत इससे ख़त्म हो जाएगी बच्चों का अगर कंसनट्रेशन नहीं आती है पढ़ाई में उनके लिए दोस्तों रामबाण उपाय मेमोरी अच्छी नहीं है जो पढ़ते है, याद नहीं रहता है उनके लिए भी ये दोस्तों रामबाण उपाय है किसी लड़की को अपना ब्यूटी निखारनी है तो भी उसके लिए रामबाण उपाय है किसी को वजन अपनी दोस्तों कम करनी है उसके लिए रामबाण उपाय क्योंकि एनर्जी ब्लॉक आप एनर्जी जो ब्लॉकेज है उसको आप खत्म कर रहे हो और जब एनर्जी ब्लॉकेज नहीं होगा तो आपके अंदर मोटापा भी नहीं आएगा आपका चर्बी भी फालतू के नहीं जमेंगे जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हो उनके लिए बेस्ट तरीका आपको मैंने बताया कि नर्व का जो एंड है आप पूरे सीधे जाइए वहां पे स्टिमुलेट करना स्टार्ट करिए आप पूरा मेरिडियन का जो रास्ता है जो मेरिडियन पॉइंट्स है उसको आप कवर अप कर लिए एंड ऑफ द टिप्स से दोस्तों तो आप अपना सारे चैनल आपका क्लीन हो जाएंगे आपके अंदर ताजगीपन दोस्तों आएगा और देखोगे लाइफ में मज़ा आ जाएगा दोस्तों ऐसे अनगिनत टिप्स अनगिनत बातें मैंने अपने किताब में अपना एक ही प्रेशर जो ट्रेनिंग है नौ घंटे का और छब्बीस घंटे का उसमें मैंने बताया हूँ उसका डिविडीज के आकार में मैंने ये चीज़ें बनाया हूँ कितना सुंदर है देखो घर रखो कई बार मुझे आश्चर्य लगता है दोस्तों हम अच्छे काम में पैसे नहीं खर्च करते उस पर सिर्फ कमेंट करेंगे हम इतना मेहनत करेंगे सालों लग जाएगा रात दिन मेहनत करके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ये देखो अंग्रेजी किताब है कितनी सुंदर किताब है ये देखने से मन करता है किसी को गिफ्ट दो ना अच्छे अपने यार दोस्त घर में जैसे आपका कोई बर्थडे होता है सब में इसको गिफ्ट दो ना दूसरे का लाइफ भी बनाओ फिर जिसके पास एक किताब होगा फर्ज करो आपके पास एक किताब है और आप मेरे वीडियो के साथ इसको को रिलेट करते हो मैं पॉइंट्स बताता हूँ आप इसको देख के अपना ट्रीटमेंट करते हो तो आपको ना मेरे पास आना है ना किसी डॉक्टर के पास जाना है और रहेगा तो आप मुझे सवाल भी पूछ लोगे तो मैं आपको ऐसे ही व्हाट्सअप में बता दूंगा कि भाई फलाना फलाना पॉइंट को आप स्टिमुलेट करो जिससे आपका फलाना बीमारी ठीक हो जाएगा आपने किताब देखे फ़ोटो देखे इतने फोटोज कितने हज़ार फोटोज़ हैं जिसको देख के आप कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता हम क्या करना चाहते हैं साढ़े तीन हज़ार की किताब है आप उसको लेके सीखो करो ये देखो ये किताब एक किलो की है सिर्फी प्रेशर की अंग्रेजी किताब सत्रह सौ पचास की किताब है ऑनलाइन मंगाई है अमेजन वगैरह में उसमें दोस्तों लाभ होती है फ्री वीडियोस तो चल ही रहा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं करोगे दोस्तों पाओगे जैसे मैं अभी ये उंगली का सारे पॉइंट्स सा अभी आपको दिखा रहा हूँ किताब आप खोल देते हैं आपको सारे एंड में क्या क्या है कैसा है उसका मैकेनिज्म क्या है उसका अनाटोमी फिजियोलॉजी सारी ज्ञान दिया गया है उसको जानोगे करोगे तब जाके दोस्तों बाद बनेगी इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पॉइंट को आपने एक्यूप्रेशर के माध्यम से स्टिमुलेट किया अभी उसी को आप मुद्रा के माध्यम से भी अपने दिमाग को उतना ही ताकत दे सकते हो वो टेक्निक दोस्तों कैसा है वो भी जानो क्योंकि आप एनर्जी को अल्टीमेट हमारा काम क्या है एनर्जी को स्मूथ करना एनर्जी के ब्लॉकेज को खत्म करना और शरीर को चंगा भला रखना स्वस्थ रखना यही होता है टारगेट तो उसको कैसे करोगे कि आपको जब भी टाइम मिलता है दिन में एक दो बार कम से कम टू टाइम्स आपको तो करना ही चाहिए अगर आप किसी कारण से बीमार हो तो आप इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के कर सकते हो ये मुद्रा दोस्तों कैसा है देखिए इस जस्ट आपको देखो ये ये टच करनी है सारा पॉइंट इस तरीके से आपको टच करनी है देखो ये टच पूरा हो गया और हल्का सा दबाव इसमें दोस्तों बना के रखनी है इस तरीके से आपको ये चलानी है इस तरीके से ये देखो मैं कैसे चला रहा हूं थोड़ा देर पहले चलाओगे फिर मुद्रा में जाओगे आठ दस बार पंद्रह बार ऐसे चला लो पहले ऐसे भी प्रेशर डाल के ऐसे चला लो ऐसे घुमा लो थोड़ा ऐसे घुमा लो ऐसे थोड़ा देर एक मिनट दो मिनट तक करने के बाद अब आप कंसंट्रेट के करिए ऐसे रख के आप चाहो तो इस समय ओम का जब भी कर सकते हो या अगर कोई दूसरे मजहब में आओ अपने अपने तरीके से कर सकते हो जैसे मैं करके दिखाता हूं ओ याने जितना देर में ओम का उच्चारण किया उतना देर में इसमें प्रेशर बना के रखा फिर से करके दिखाता हूं ओ फिर आप इसको प्रेशर को थोड़ा सा लूज कर दीजिएगा ऐसे जस्ट हल्का कर दीजिएगा दबाव तब बनाइएगा जब आप उम का उच्चारण कर रहे हो अगर आप उम वगैरह नहीं करते हो सिर्फ़ इसको मुद्रा कर रहे हो तो बस इसको टच करके हल्का दबाव डाल के दोस्तों रखनी है दो मिनट चार मिनट पाँच मिनट आपका जितना पेशेंस है आप उतना रखो और देखोगे आपका दोनों तरफ से आपके पूरे चैनल सारे आपके क्लीन हो जाएंगे स्मूथ हो जाएंगे बढ़िया दोस्तों काम करेंगे उसी तरीके के जैसे मुस्लिम भाई लोग अगर करते हो आप इसको इस तरीके से मुद्रा बना के ऐसे कर सकते हो अल्लाह फिर इसको लोच कर लीजिए ओम और इसमें मुझे तो कहीं अंतर नहीं लगता सबकी जो समझ है जो इसकी लेंथ है जो इसके टच है ये प्रभु तक जाता है ये यूनिवर्सल पावर तक जाता है एक बार फिर देखो ऐसे करो और एनर्जी अगर आपको लाना है इसको टच करा के ऐसे रखो सांस पूरा भरो अल्लाह एक बार इससे भी पूरी एनर्जी आती है ओम भी एक बार करके दिखाता हूं सब मजहब को हमें हर रिलीजन को सम्मान देनी है दोस्तों और अपने सेहत के लिए दोस्तों काम करनी है यह रिसा से अंदर भरनी है ओ टू तो टू तो थ्री मिनट्स तक पांच मिनट तक भी आप कर सकते हो धीरे धीरे क्या होगा आपका एनर्जी बैलेंस्ड होगा हमारा एनर्जी बिगड़ा हुआ है दोस्तों हमारे एनर्जी को बैलेंस करनी है बैलेंस एनर्जी में आप स्वस्थ हो गए आप सम्मानजनक जिंदगी जियोगे दवाई के बिना जिंदगी जियोगे अस्पताल जाए बिना जिंदगी जियोगे आपके अंदर प्रचंड बुद्धिमत्ता का शुरुआत होगी आप सबको अच्छे नजर से देखोगे आप किसी को हीन भावना से नहीं देखोगे हर दुखियरी के लिए कुछ करने को आपका मन करेगा यह सच कह रहा हूं आपको मैं जब वंग कर रहा हूं मुझे सेम फीलिंग्स से हो रही है जब मैं अल्लाह कर रहा हूं इसका मतलब है आप शांत हो जाओगे अंदर से सम भाव आपके अंदर आएगा समान भाव जिसे कहते हैं दोस्त अब समझने की बात है साधना की बात है मेरे गुरु जब मुझे यह सब आदत करवाए थे मैं उनका नाम लेता हूं पंडित रमाकांत कर योगा के प्रचंड बुद्धिमता ज्ञानी मेरे संस्कृत के टीचर थे वो पंडित रमाकांत कर नाम याद रखे पूरी के उड़ीसा पूरी जगन्नाथ टेम्पल में वहाँ लेके ज्ञान की जो वो भंडार हमारे अंदर डाले पूरी में वो आज तक भी प्रज्वलित है दोस्तों पंडित रमाकांत कर में तीन बार गुरुजी का नाम लिया उन्होंने मेरी संस्कृत टीचर भी रहे और संस्कृत की ज्ञान के साथ साथ वो मुझे समभाव रखने के लिए प्रेरित किए और मैं खुश हूँ उसके बाद मुझे डॉक्टर प्रसन्न कुमार पटसानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उन्होंने भी यही बात मुझे समझाई हमेशा जो मेरे किताब के ऑथर भी वो हैं और मैं हूँ दोनों हैं डॉक्टर प्रसन्न कुमार पटसानी और मैं दोनों हम इस किताब के ऑथर हैं दोस्तों बहुत अच्छी किताब है जरूर लीजिएगा अच्छा लगता है जब मैं साधना में चला जाता हूँ तो फिर शरीर और मन अलग से फीलिंग्स के अंदर चला जाता है तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दो चीज़ टेक्निक आपको बताया एक तो एक्यूप्रेशर का टेक्निक दूसरा आपको मैंने एक मुद्रा बताया उसके साथ साथ ओम का उच्चारण और अल्लाह का नाम जबरदस्त तरीका है दोस्तों करोगे तो पाओगे सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ फिर कुछ नई ज्ञान नई चीज नई चर्चा के साथ आता हूँ आपके जय हिंद जय भारत